ये जो आप श्वास ले रहे हो ना, इसी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अब बताओ, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने में तीन तत्व बड़े जिम्मेदार हैं, एक तो लीवर, एक किडनी। लीवर और किडनी का फंक्शन अच्छा होगा तो लीवर और किडनी से जो पैदा होने वाले जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, और साथ में ऑक्सीजन, तो हमारे जॉइंट्स के, ये जो जॉइंट्स के ये भाग होते हैं ना, ये है ऐसे हिप जॉइंट है, जो जॉइंट्स हैं यहाँ यहाँ हीमोग्लोबिन बनता है ना। कुछ ऐसे बावड़े होते हैं, सोचते हैं पेट में हीमोग्लोबिन बनता है, पेट में खून बनता होगा, पेट मदद करता है। मैंने कहा लीवर और किडनी का फंक्शन जितना अच्छा होगा, इसलिए किडनी फंक्शन डाउन जाता है तो वैसे हीमोग्लोबिन घट जाता है। तो योग से लीवर किडनी का फंक्शन और ये जो ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन जितना ज्यादा होता है उतना ही फ्रेश हीमोग्लोबिन बनता है, तो अच्छी चीजें बढ़ने लगती हैं। इसी में कहता हूं, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी आदि की जो डेफिशिएंसीज है वो दूर होती है प्राणायाम से। ये अद्भुत चीज है, आंखों का चश्मा दूर होता है। अब ये लो नई बात, भैरव सिंह शेखावत साहब, उनसे हमारा बड़े प्रेम था, उद्घाटन भी आए पतंजलि योगपीठ के, हो तो उसमें उपराष्ट्रपति थे, वो पहले तो मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। तो मेरे से बोले, बाबा जी मैं तब मानूंगा जब मैं एम्स में बोला आपको ग्रुप देता हूँ, उनमें वहां आप डॉक्टर्स के साथ में कराए। उस समय हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, पतंजलि योगपीठ भी नहीं था हमारे पास में, जो है इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास में, डॉक्टर्स का कांटेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं था, डॉक्टर सहयोग नहीं करते थे उस समय हमारा। तो आज तो हमारे पास में हजारों डॉक्टर्स हैं, अनुलोम विलोम कर लो, क्योंकि इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने फिर ग्रुप दिए, फिर उनका चश्मा हट गया, तो मैं समझी ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, चश्मा भी हट जाता है इससे। अब चश्मा हट सकता है, अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार चश्मा आ गया बोलो वो तो हटेगा ही नहीं, और नंबर ना बढ़े ऐसा तो कुछ कर सकते हो आप, लेकिन एक बार बढ़ा हुआ चश्मा घट नहीं सकता नंबर वो। डीजर्नेट हुए ब्रेन सेल, आईज के सेल, कानों के सेल, नाक के सेल, स्किन सेल, आपके पारिया में दांतों के, मसोड़ों के सेल, लंग के सेल, थायराइड के सेल, हार्ट के सेल, लीवर किडनी के सेल, पेनक्रियाज के सेल, डीजर्नेट हुए सेल रीजर्नेट नहीं होते हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बात हमने कही कि होते होते, हमने कहा, वो कहते हैं नहीं होते, हमने कहा होते, हम मानने लगे वो भी। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, ये है योग की बात। बाकी तो ये सामान्य बातें हैं कि इससे वेट कम होता है, इससे फिटनेस अच्छी रहती है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, इससे जो है